बोरिस ने कंट्रोल रूम का दरवाजा तोड़ दिया भाई। बट बोरिस का बच्चा अंदर क्यों नहीं आ रहा है? ओ अच्छा अच्छा, इसको रोक के रखा है। आओ हम बिना एस्केप किए जेके हाउस पर पहुंच गए भाई, देख रहे हो यार। इसको बोलते हैं जादू। ओके रुको रुको, अभी हमने वेदर फॉग चेंज कर दिया है, देख रहे हो भाई। रोड की टीम, हेलो, हटो यहाँ से, हटो हटो, मैंने यहाँ पर वेदर चेंज कर दिया है, हटो यहाँ से। तो आज हम वापस से प्ले करने वाले है आइसक्रीम एट का आउटफिट मोड। यार आज हम इसके अंदर अजीब और गरीब एक्सपेरिमेंट करने वाले हैं, जो कि हमने पिछली बार नहीं किए थे यार। ओ गांजो, तूने इस मोड के अंदर सब कुछ तो बता दिया है यार, और क्या बाकी है मेरे को समझ में नहीं आ रहा है भाई। ओ बता रहा हूँ भाई, बता रहा हूँ यार, तू हंस रहा है कि रो रहा है भाई, मेरे को समझ में नहीं आ रहा है भाई। ओके यार, मैं आपको सब कुछ बताऊंगा यार, बट उससे पहले आप फटाफट वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो एंड अपना गेम स्टार्ट करते है। कमॉन चार्ली, लीज, माइक, डोर के पीछे कोई भी नहीं है यार, तुम डोर के आगे बिन क्यों बचा रहे हो? अब तो मेरे को गुस्सा आ रहा है यार, आज मैं इस दरवाजे को ही तोड़ दूंगा यार। ओके मेरे को दरवाजे के उस साइड जाना है, चलो ठीक है, देख रहे हो भाई डोर के पीछे कोई भी नहीं है। आज तो मैं इस दरवाजे को ही ट्रांसपेरेंट बना दूंगा यार। क्या कहा तूने? तू दरवाजे को ट्रांसपेरेंट बना सकता है? तो तूने मेरे को पहले क्यों नहीं बताया कांजो? अभी मैं बता तो रहा हूँ यार, अभी सब कुछ मैं बता के करूंगा क्या भाई। ओके हमारे को डोर के बीचों बीच खड़ा रहना है, उसके बाद होगा हमारा जादू। हम डोर के बीचों बीच खड़े रहेंगे तो यहाँ पर लिखा आएगा डोर। ओके चलो ठीक है, आ गया। अब हम आउटफिट मेन्यू खोलेंगे, बट ये इतना छोटा क्यों है भाई? सबसे पहले इसकी साइज बढ़ाओ यार, मेरे को कुछ दिखाई नहीं दे रहा है माँ। ओके इसका कलर भी मैंने चेंज कर दिया। अब हम यहाँ पर ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करेंगे डोर। ओके यहाँ पर ऑब्जेक्ट ओपेसिटी या इसको हमारे को चेंज करना है, और इसको बना देंगे हम ट्रांसपेरेंट। देख रहे हो भाई, ये है हमारा जादू। क्या मैंने डोर को हाइड कर दिया फिर भी ये लोग डोर को पकड़ के बैठे हैं? अब तो मेरे को और भी ज्यादा गुस्सा आ रहा है यार, मैं आइसक्रीम फोर की तरह यहाँ पर बोरिस को वापस से खड़ा कर दूंगा यार। तुम लोग वहाँ से हटो, वहाँ से। नहीं हटोगे? कोई बात नहीं, मैं यहाँ पर टेलीपोर्ट करने वाला हूँ। आओ बोरिस को, हम बोरिस को यहाँ पर खड़े रखेंगे। उसके बाद क्या, बोरिस कहाँ गया? ओके मेरे को वापस से यहाँ पर बोरिस को बुलाना है। वाओ, ए! मैंने बोरिस को बुला दिया। बोरिस तू इन लोगों की चटनी बना यार, यहाँ पर डोर नहीं है फिर भी ये लोग दरवाजा पकड़ के बैठे। क्या? कम ऑन बोरिस, तेरे को मैंने अबे मेरे को चाटा नहीं मना था यार। बस 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 कांजो, हो गया यार, कुछ ज्यादा ही हो गया भाई, अभी अगला वाला सीक्रेट बता यार। ठीक है बता रहा हूँ भाई। कभी कभी मैं आउट ऑफ कंट्रोल नेक्स्ट लेवल भाई ओवर एक्टिंग करता हूँ यार। कभी कभी मेरे को सिवा रोक लेता है, तब जाके मेरे को पता चलता है कि मैंने कुछ ज्यादा कर दिया है। ओके चलो ठीक है, अब हम जाएंगे रॉड फैक्ट्री से सीधा जे के हाउस, वो भी सीधा यहाँ से। ओके तो चलो ठीक है, इसके लिए हमारे को या फैक्ट्री के नीचे जाना होगा यार, पाताल नगरी के अंदर। यहाँ से रास्ता होके हम सीधा जाएंगे जे के हाउस पर। ओके इसके लिए हमारे को और नीचे जाना होगा, और नीचे जाना होगा, मेरे को पता है यार जे का हाउस यहाँ पर है। तो हम फैक्ट्री के बहुत नीचे आ गए हैं, हमारे को और नीचे जाना है, और नीचे जाना है यार, सीधा पाताल के अंदर घुस जाना है। और वो देखो, वहाँ पर दो हाउस दिखाई दे रहे हो, और ये हाउस किसी और के नहीं यार, जे का हाउस है भाई। कांजो मेरे को समझ में नहीं आ रहा है यार, जे का हाउस यहाँ पर नीचे कैसे आ गया भाई? रॉयल फैक्ट्री के नीचे जे का हाउस, एकदम क्रेजी लग रहा है मेरे को। ये कोई बड़ी बात नहीं है भाई, डेवलपर एक ही मैप के अंदर सारे एरिया फिट करते हैं यार, एक ही गेम के अंदर, इसीलिए ऐसा होता है यार, ये नॉर्मल है भाई। ओके चलो ठीक है, हम जे के हाउस पर पहुंच गए, और रुको रुको रुको, यहाँ पर हम लैंडिंग करेंगे। ओके यहाँ से जंप लगाएंगे। ओके हमारे को कुछ नहीं होगा भाई। ओ भाई आसमान से टपके और जे के हाउस में अटके या फंसे पता नहीं, चलो ठीक है जे। ओके जे तो यहाँ पर है नहीं, उसके मम्मी पापा यहाँ पर जरूर होंगे, बट दरवाजा लॉक है यार। मेरे को पता है यार, हाउस के अंदर कोई भी नहीं है, सिर्फ एक हाउस है यार, एक क्या बोलते हैं इसको, टेक्सर वाला हाउस। इसके अंदर कुछ भी नहीं होगा। तो चलो ठीक है, जे का हाउस मैंने आपको बता दिया रॉड फैक्ट्री के नीचे। अब हम देखने वाले हैं क्या देखने वाले, फटाफट बताना मेरे को यार, मेरे को देखना है।
रुको भाई, कहाँ भागे जा रहे हो यार? आराम से यार, बता रहा हूँ भाई मैं। ओके, अब हम इस गेम के टाइम को मैनेज करने वाले हैं या फिर उसको कंट्रोल करने वाले हैं यार, बिल्कुल डॉक्टर स्ट्रेंज की तरह। हम टाइम को स्लो कर सकते हैं, पॉज कर सकते हैं और बस इतना ही कर सकते हैं भाई। मैंने बहुत सारे रॉन एंड ईविल नन को यहाँ पर बुला लिया है। अब मैं इनकी स्पीड, गेम की स्पीड को स्लो करने वाला हूँ यार, एकदम स्लो मोशन की तरह। ओके, यहाँ पर ऑप्शन आता है भाई। चलो ठीक है, हम टाइम को स्लो कर सकते हैं। या मैंने इसको बहुत ज़्यादा स्लो कर दिया है यार, और मेरी स्पीड या हमारा जो कैरेक्टर है उसकी स्पीड मैंने थोड़ी सी बढ़ा दी है। अब देखना मेरा जादू। ए रुको रुको, मेरी स्पीड कुछ ज़्यादा ही कम है यार। इतनी स्पीड में तो मेरे को रॉड एंड ईविल नन पकड़ लेंगे भाई। मेरे को और भी ज़्यादा स्पीड किया, इतनी भी शायद नहीं चलेगी यार। मेरे को और स्पीड चाहिए भाई, मेरी स्पीड एकदम नेक्स्ट लेवल होनी चाहिए और इन लोगों की एकदम स्लो। ओके, अब ठीक है यार, रॉड ईविल नन। ओके, इन सभी ने मेरे को देख लिया, भागो। आओ, देख रहे हो भाई कितना स्लो मोशन हो गया टाइम। ये लोग मेरे को पकड़ेंगे, देख रहे हो भाई। इनकी चलने की स्टाइल तो देखो यार, ये कितना स्लोरी चल रहे हैं भाई। वाह, मजा आ गया यार, ये मेरे को अगले जन्म में भी नहीं पकड़ सकते भाई। ये रुको रुको, ये मैंने क्या कर दिया? ओके, आओ, रुको रुको, ये वापस से नॉर्मल काहे को हो गया भाई। ये वापस से नॉर्मल हो गया, मेरे को वापस से स्लो मोशन करना होगा। रॉयल की टीम, रुको रुको रुको। अच्छा हुआ मैंने गॉड मोड ऑन किया है यार। ओके, इनकी स्पीड मेरे को कंट्रोल करनी है। रुको ना यार, मैं डॉक्टर स्ट्रेंज नहीं हूँ भाई, मेरे पीछे क्यों पड़े हो भाई। ओके, मैंने वापस इनको स्लो कर दिया यार, ये कुछ ज़्यादा ही खतरनाक है यार, इतने सारे रॉड। ओके, हम और भी इसकी स्पीड कम करेंगे। वाह, क्या बात है, मजा आ गया यार। अब ये लोग मेरे को नहीं पकड़ सकते भाई। ओके, यहाँ से भागो यार। जो तूने कुछ और भी बोला था यार, तूने बोला था इस गेम का वेदर फॉग ये भी तू चेंज कर सकता है यार। हाँ तो मैं कर सकता हूँ यार, मैंने मना तो नहीं किया यार, मैं झूठ नहीं बोलता भाई। पहले ईविल नन एंड रॉड की फौज को तो यहाँ पर आने दो यार, इनको यहाँ पर पहुँचने में कितना टाइम लगता है देखते हैं। रॉड, ईविल नन, मैं यहाँ पर हूँ। भाई ये देख रहे हो यार, कछुए की तरह स्लो हो गए भाई। ओके चलो ठीक है, इनकी स्पीड मेरे को लगता है और बढ़ानी चाहिए, ये कुछ ज्यादा ही स्लो होगा। इतना भी मैंने फास्ट नहीं बोला था यार, रुको भाई, रुको रुको रुको, मैं स्लो कर रहा हूँ। ये सारे मिलके मेरे को धो रहे हैं, रुको। मैंने इतना भी ज्यादा फास्ट नहीं बोला था, ये सारे रॉड मिलके मेरे को। ओ भाई, ये मैंने क्या कर दिया यार, अबे मेरी साइज मेरे को कम नहीं करनी। ठीक है भाई, हमने देख लिया यार, तू टाइम को कंट्रोल कर सकता है डॉक्टर स्ट्रेंज की तरह, तुम्हारे पास टाइम स्टोन है यार। अब हमारे को वेदर चेंज करके दिखा। कब से लगा रखा है यार वेदर फॉग। अब तो मैं तेरे को बता ही दूंगा। चल ठीक है, यहाँ पर आ जा। हम जोसेफ कॉटेज वाले एरिया में आ गए हैं और यहाँ से होता है वेदर फॉग चेंज। देख रहा है भाई, तू किसी भी कलर का इसको चेंज कर सकता है यार, येलो ग्रीन ब्लू। मेरे को लगता है ग्रीन बहुत अच्छा लगता है भाई, देख रहे हो। ओके, मैंने पूरा का पूरा वेदर ही चेंज कर सकते हैं, इसके अंदर बहुत सारे कलर है, आपको जो अच्छा लगता है वो आप कर सकते हैं। और मैं अभी यहाँ पर बहुत सारे रॉड को बुलाने वाला हूँ। नहीं, थोड़ी मस्ती तो बनती है यार, वरना मेरे को मज़ा नहीं आता है वीडियो के अंदर। चल ठीक है, और मेरी साइज भी मैंने बहुत बढ़ा ली है यार, अब देखते हैं यार क्या रॉड मेरे को पकड़ सकते हैं या नहीं। रॉड, हेलो रॉड, ये रॉड मेरे को पकड़ ही नहीं सकते, देख रहे हो भाई मैं बहुत बड़ा हूँ। मैंने अपना साइज भी बढ़ा लिया है यार, मैं छोटा भी हो सकता हूँ और बहुत बड़ा भी हो सकता हूँ, एकदम एंटमैन की तरह। रॉड, ओ मैंने एक तो ऊपर से इसकी स्पीड, भाई मैंने टाइम को एकदम स्लो कर दिया है और ऊपर से मैं बहुत बड़ा हो गया हूँ भाई। ये तो रॉड के साथ नाइंचापी है भाई, गजब भेजाती है। नहीं, मेरी नहीं यार, रॉड की। मेरे को लगता है मेरी साइज को मेरे को थोड़ा और कम करना होगा, क्योंकि मैं यहाँ पर ठीक से चल भी नहीं पा रहा हूँ यार। ओके रॉड, मैं अपनी साइज थोड़ी कम कर रहा हूँ, नहीं बहुत ज़्यादा कम कर रहा हूँ। ओके, अब मैं सही से चल पा रहा हूँ, देख रहे हो भाई। अब मज़ा आएगा, मज़ा आएगा। रॉड,
मेरे को पकड़ो। उल्लू के पट्टे गजब भेजती है यार। नहीं मेरी नहीं यार, रॉड की। तूने ऊपर से गेम का स्पीड भी कम कर दिया है, अपनी साइज भी बढ़ा ली है यार। ये तो निंजा भी है भाई। नहीं मेरे साथ नहीं भाई, रॉड के साथ यार। ये तो क्या कर रहा है कांजो? बस मजे ले रहा हूँ भाई। ओके मैं अपनी साइज को और भी ज्यादा छोटा करता हूँ। अब हम रॉड की बैंड बजाएंगे यार। रॉड की पूरी जो फौज है ना भाई, उनकी बैंड बजाएंगे। मेरे पास खुद का एक बॉम्ब है। ओके क्या हुई? सारे के सारे रॉड बेहोश हो गए भाई, देख रहे हो? आओ ये दो घोंचू अभी भी जिंदा है। ओके ये भी फ्रीज हो गए भाई, देख रहे हो? आओ वो वाला रॉड आजाद है यार, मतलब वो वाला ओरिजिनल है। पता नहीं शायद ये टीम से अलग हो गया है यार। हटो यहाँ से, हटो। ओ भाई इन लोगों को यहाँ से हटाने में कितना मजा आता है। रुको रॉड के बच्चे हैं, एक तो अभी भी जिंदा है। रुको इसने मेरे को पकड़ लिया भाई। ओके मेरा गेम ओवर हो जाएगा। कमेंट रुको। ओके मैं बाल बाल बचा यार। ओके रॉड की पूरी बहुत है यहाँ पर, देख रहे हो? हटो यहाँ से। ओके इनको हटाने में कितना मजा आता है। ओके चलो ठीक है अब। रुको रुको रुको, मैंने बोला था मैं वेपन एक्सपेरिमेंट करूँगा। ओके थोड़ा दूर आ जाओ, यहाँ पर मैं स्पॉन करूँगा वेपन। ओके हमारे पास इलेक्ट्रो प्लाज्मा गन है, वो मेरा फेवरेट है। इसको हम ट्राई करेंगे इन घोंचुओं के ऊपर। चलो ठीक है मैंने इसको बुला लिया। ये रही हमारी इलेक्ट्रो गन। चलो क्या कुछ भी नहीं हो रहा है। आओ इसको मारो, मारो इसको, ये जिंदा है, मारो इसको, मारो मारो। ओ भाई मजा आ गया यार। इतनी मस्ती तो बनती है यार, वरना वीडियो में मजा नहीं आ रहा भाई। ओके चलो ठीक है, इनका भी काम तमाम हो गया और लगता है मैंने सारे रोड को तरासाई कर दिया यार। और मेरे को लगता है अब इस वीडियो को एंड करने का टाइम आ गया है। और यहाँ पर दो रोड और भी थे यार, जो कि यहाँ से भाग गए थे पतली गली से। मैं इनको भी पकड़ूंगा। नहीं है कोई बात नहीं, अगर एक लोग नहीं है हाँ तो क्रोकोडाइल के ऊपर मैं गुस्सा निकालूंगा। मारो इसको, मारो मारो मारो, ए, मारो, मारो। इसने मेरे को काट लिया भाई। मेरा गेम ओवर। आओ हाय ये विलन, तुम्हारे पीछे ये ग्रीन ग्रीन क्यों हो गया? मजाक कर रहा था। अबे मेरे को दफनाने की जरूरत नहीं है, मेरे को पता है तू 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 कुछ भी कर सकती है ये विलन। ओके खत्म, बाय बाय ये विलन, बाय बाय। ओ कांजो बेचारा ईविलन एंड रॉक की बैंड बजाने चला था यार, खुद की ही बैंड बज गई यार, गेम ओवर। मैंने जानबूझ के किया भाई। ओके चलो ठीक है दोस्तों, आज की वीडियो में हमने बहुत सारे सीक्रेट देखे आइसक्रीम 8 के आउटफिट मोड के अंदर। वैसे आपको ये वीडियो कैसी लगी मेरे को कमेंट करके बताना। और हाँ यार थोड़ी सी भी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना एंड चैनल को सब्सक्राइब करना भाई। और मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा अलविदा एंड बाय।